गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन, आई एम ए सुनील राजपुरोहित, टीचर ऑफ फिजिक्स बिलोंग टू जीनियस मॉडल स्कूल. टूडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर. वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्थिर वैद्युत की क्या होता है. सब पहला टॉपिक अपना स्थिर वैद्युत की. स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आवेश की. आवेश जिसको हम सामान्यतः चार्ज कहते हैं. अब आवेश होता क्या है, जो आज हम बात करेंगे आवेश, ये हमारा की पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमें पढ़नी है तो कम से कम 3 से 4 मंथ अपने केवल आवेश की बात करेंगे. आवेश क्या है? आवेश की सर्वप्रथम हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी और उन प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे. आवेश की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जो आवेश होता है वो 2 टाइप का होता है. चार्ज बेसिकली आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज. अर्थात चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक. सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी इकाई कूलाम होती है, सी, जिसे हम सी से शो करते हैं. चार्ज की इकाई होती है वो कूलाम होती है. थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज की सबसे छोटी इकाई जो आवेश होता है उसकी सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है. फ्रैंकलिन, चार्ज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो फ्रैंकलिन होती है, और चार्ज की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई वो होती है फैराडे. अभी तक अपनों ने 3 प्रॉपर्टी की बात की है आवेश की, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज. सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम. और थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है उसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन, और जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको बोलते हैं फैराडे. अब हम आगे करेंगे चार्ज की अन्य प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4, मान लेते हैं कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, एक विलगित निकाय है जिसके अंदर 3 बॉडी क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी है. मान लेते हैं कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर 3 बॉडी ए बी सी है. इन पर आवेश मान लेते हैं, इस पर मान लेते हैं 2 कूलाम आवेश है, इस पे मान लेते हैं 4 कूलाम आवेश है, और इस पे मान लेते हैं 8 कूलाम आवेश है. अब एक विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान बाहर से हो सकता है ना कि बाहर, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान बाहर से नहीं होगा. मान लेते हैं इस पे ए बॉडी पर आवेश है 2 कूलाम, बी बॉडी पर आवेश है 4 कूलाम, सी बॉडी पर आवेश है 8 कूलाम. अब अपनों ने कुछ ऐसा किया कि इसके अंदर ही इनको गुला मिला दिया, यानी इनको मिक्स कर दिया, तो अपनों ने माना कि बॉडी ए पर चार्ज आ जाता है, मान लेते हैं 1 कूलाम आ जाता है, बॉडी बी पे आवेश आ जाता है, मान लेते हैं 2 कूलाम आ जाता है, तो बॉडी सी पे आवेश कितना आएगा, मान लेते हैं इस पे एक्स कूलाम आएगा, तो एक्स कूलाम कितना होगा? हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है. आवेश संरक्षण का अर्थ क्या है? आवेश संरक्षण का मीन्स है कि जो पहले जितना आवेश था इस बॉडी के अंदर उतना ही बाद में आवेश रहेगा. तो हम इस पे अप्लाई करते हैं, मानते हैं बॉडी ए पे आवेश कितना था 2 कूलाम प्रारंभ में, बॉडी बी पे आवेश कितना था प्रारंभ में 4 कूलाम, 2 कूलाम प्लस 4 कूलाम. इसी प्रकार बॉडी सी पे आवेश पहले कितना था 8 कूलाम, इनको अपनों ने ऐड किया
तो पहले जितना आवेश था बाद में भी तो उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक विलगित निकाय है, और विलगित निकाय का मीन्स क्या होता है कि जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में होगा, क्योंकि हमने आवेश कहीं बाहर से नहीं लाए हैं। इस बॉडी के अंदर जितना आवेश है उनको सेपरेट किया है, अलग अलग किया, कुछ इस पर बाँट दिया, कुछ इस पर बाँट दिया। तो बॉडी ए पे आवेश कितना आ गया, एक कूलम आ गया, मान लेते एक कूलम आया। इसी प्रकार से बॉडी बी पे आवेश कितना है, दो कूलम आया है। और बॉडी सी पे आवेश कितना है, अपना ने मान लिया कि एक्स कूलम आया है प्लस एक्स, तो इन सभी को जोड़ा, दो प्लस चार छः, छः और आठ कितने हो गए, चौदह, फोर्टीन कूलम। तो पहले आवेश कितना था, फोर्टीन कूलम, बाद में आवेश कितना हो गया, वन कूलम प्लस टू कूलम कितना हो गया, थ्री कूलम, थ्री कूलम प्लस एक्स। अब थ्री कूलम को इस तरफ लाए, चौदह कूलम माइनस तीन कूलम इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ग्यारह कूलम। यानी जो बॉडी सी पे अब आवेश होगा वो ग्यारह कूलम होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थी फोर आवेश की, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आवेश की। अब हम बात करेंगे आवेश की फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, मान लेते हैं एक बॉडी है और एक बॉडी इस तरफ और है, बॉडी नंबर ए बॉडी नंबर बी, दो बॉडी है, बॉडी नंबर ए बॉडी नंबर बी, मान लेते हैं इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया। सबसे पहले बड़ी बात है कि हमने किसका ट्रांसफ़र किया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है, तो बॉडी ए पे चार्ज कौन सा आएगा और बॉडी बी पे चार्ज कौन सा आएगा। अब बॉडी ए क्या थी, बॉडी ए के पास इलेक्ट्रॉन अधिक थे और बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो बॉडी ए बी ने ए से इलेक्ट्रॉन मांग लिया, अर्थात इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार से बॉडी ए पे कौन सा चार्ज आ गया, बॉडी ए पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता को नेगेटिव से शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव से शो करते हैं। कभी आपने सुना है क्या, डेढ़ इलेक्ट्रॉन दे दो, ढाई इलेक्ट्रॉन दे दो, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन दे दो, कभी ऐसा कभी नहीं सुना। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र होता है वो या तो ई होता है या टू ई होता है या थ्री होता है या फोर ई होता है या डैश 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 एन ई, यानी जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है वो एन ई हो सकता है, जहां एन होता है इंटीजर, अर्थात जो आवेश का ट्रांसफर होता है वो क्यू इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, जहां एन होता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, और ई है आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा। अर्थात किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एन ई टर्म के अंतर्गत होता है, अर्थात या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं या तीन का कर सकते हैं या चार का कर सकते हैं या पाँच का कर सकते हैं, छः का कर सकते हैं, हज़ार का कर सकते हैं, लाख का कर सकते हैं, अर्थात एन ई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मेन बेसिक है अपना कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, एन ई इलेक्ट्रॉन, जहाँ एन होता है पूर्णांक इंटीजर संख्या होता है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण अर्थात आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, वो स्थानांतरण किस टाइप से होगा, q इज इक्वल टू प्लस एन ई। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है आवेश का, कि आवेश को बांटा जा सकता है किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण।
यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जो आवेश का क्वांटा होता है ई, आवेश का क्वांटा ई, ये आवेश का न्यूनतम मान होता है, किसी भी आवेश का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। और ई की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ई इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आवेश का क्वांटीकरण। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, सबसे पहले तो जो हमारा मास होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है नहीं करता, ये हमें पता होना चाहिए। जो हमारी बॉडी का मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड किस तरीके से करता है, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। जो हमारी बॉडी का मास है वो डिपेंड करता है, हमारे बॉडी का मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एम नॉट क्या है, एम नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास। वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग। और जो यहाँ पे सी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। अब हमारे जो कन्फ्यूजन आती है कि हमारी बॉडी का मास वेलोसिटी पे डिपेंड कैसे करता है, हम दैनिक जीवन में इसको नेगलेबल कर देते हैं। नेगलेबल करने का कारण क्या है कि जो वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे हमारी दौड़ने की स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर घंटा, इतनी हो सकती है। और जो c होता है प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अर्थात 300,000 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 300,000 चल देती है। तो जो c की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8 है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, लगभग बहुत ही कम, नेगलेबल है। तो मान लेते हैं कि रूट ऑफ 1 माइनस अपने 100 मान लेते हैं, 100 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं वेलोसिटी, एक सेकंड में हम 100 मीटर चलते हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। अब इसको काटने पर, अपने इसको जब काटते हैं तो ये वैल्यू बनेगी रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 × 10^6। और जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.000000 समथिंग आएगा। और इतनी छोटी सी क्वांटिटी को नीचे ले या ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो अब अपना मास है वो अपने जितना मास होता है उसी को मान लेते हैं, परंतु रियल के अंदर जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अपने करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी में। जो मास होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, परंतु जो चार्ज होता है, आवेश होता है, आवेश या चार्ज चाल के साथ अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्ती होता है, अर्थात निर्देश तंत्र बदल जाने पर भी आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा। ये आवेश की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे जो सभी को पता है, 7th नंबर प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी नंबर 7, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक धनात्मक आवेश, मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं दो नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ऐसे मान लेते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज होते हैं तो ये आपस में रिपेल करते हैं, ये इसको इस तरफ भगाएगा, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे उस तरफ बल लगाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस पर इस तरफ बल लगाएगा, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो सामान्य प्रॉपर्टी है इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। या सिंपल भाषा में बोलें तो दो एक समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से दो विपरीत आवेश, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, या एक पहले वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है दूसरी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट चार्ज की प्रॉपर्टी।